आपने नहीं सुना, नालंदा विश्वविद्यालय 9 मंजिला इमारत, 90 लाख से ज्यादा पुस्तकें। खिलजी आया और उसने उसको जला दिया, 6 महीने तक जलता रहा। और क्यों जलाया? खिलजी बहुत बीमार पड़ गया, मरने की हालत में आ गया, कोई नीम हकीम उसको ठीक नहीं कर पाया। तो किसी ने बोला कि नालंदा में आचार्य राहुल भद्रसेन है, आयुर्वेद के प्राकांड पंडित विद्वान, वो शायद आपको ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा अच्छा चलो बुलाओ उनको। राहुल भद्रसेन को बुलाया गया। जब बुलाया गया तो खिलजी ने पहले शर्त रख दी कि मैं तो हूँ पक्का मुसलमान, आपकी दवा तो मैं खाने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ठीक आपको मुझे करना पड़ेगा, और नहीं करा तो मृत्युदंड। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने एक कुरान ला के दी, बोला आप तो मुसलमान है ना, लीजिए कुरान पकड़िए, कुरान के इतने पन्ने रोज पढ़ने हैं। उन्होंने कहा ठीक है, पढ़ने लगा, ठीक हो गया खिलजी, एकदम ठीक हो गया। पता लगाओ कैसे ठीक हो गया, कुरान पढ़ के ठीक हो गया कैसे ठीक? तो पता चला कि राहुल भद्रसेन ने कुरान के पन्नों पे आयुर्वेदिक दवाएं लगा दी थी, और जब वो ऐसे ऐसे करता था ऐसे भी, और श्वास के द्वारा भी अंदर चीजें जाती हैं, तो औषधियां भी अंदर प्रवेश हो गई, और जब वो प्रवेश हो गई खिलजी ठीक हो गया। उन्होंने कहा इतनी महान संपदा, भारतीय संस्कृति की इतनी महान संपदा मुझसे रहा नहीं जा रहा, कूच कर दिया नालंदा पर, खत्म कर दिया, तोड़ दिया, आचार्यों के हाथ काट दिए, ब्रह्मचारियों को जिंदा भालों की नोक पे लटका दिया गया, वेदों को आग लगा दी, पुस्तकालय को धू धू करके अग्नि के सुपुर्द कर दिया गया। ये हुआ हमारे साथ।